ये काफी सारे चेंजेस आपने डायनामिक बहुत ही अच्छे से पकड़े हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ एज अ व्यूअर, जब आप देखते हो बिग बॉस, तो आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है घर के अंदर, और क्या कौन हाईलाइट हो रहा है और कौन कॉर्नर हो रहा है? हाईलाइट तो एक ही अंकल हो रहे हैं, उनका भी नाम वही है। तो और उनकी जो लव स्टोरी है, जो नहीं है एक्चुअली लव स्टोरी, मुझे तो समझ में आता है कि वो लव स्टोरी नहीं, उनकी तरफ से एटलीस्ट नहीं है. वो हो रही है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि शहनाज जो भी कुछ कर रही है वो पारस को दिखाने के लिए कर रही है, पारस को जलाने के लिए, पारस को दिखाने के लिए है वो. इस वजह से क्या हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस वजह से उनको काफ़ी फुटेज मिल रहा है. बाकी सब लोग थोड़े से कम, जैसे शेफाली जरीवाला है, मैं उनको इतना जानता भी नहीं हूँ एक्चुअली, इसलिए बोल नहीं सकता. जब तक मधुरिमा थी, जब तक विशाल के लिए भी एक उन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी, जो राम रावण की लड़ाई और उसके बाद इतनी फेमस ऐसी पैन वाली लड़ाई इन लोग की थी यहाँ पर, ये थी. लेकिन बेसिकली अभी अभी भी कहानी जो है वो उन तीनों के अराउंड ही है.